एवरीवन, ये है फ्राइडे का व्लॉग और मैं हूँ किचन में और बना रही हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट सुबह का ही होता है बाबा। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे मूंग दाल और चावल के अप्पे बना रही हूँ। एंड ये प्याज को मैं चॉप कर रही हूँ और इसमें ना मुझे वेजिटेबल्स बहुत कम अच्छे लगते हैं, मुझे ऑनियन ही अच्छा लगता है इसमें। तो बहुत ही फाइनली फाइन एकदम चॉप करके मैं ऑनियन डालूँगी, लेकिन ऋषि के लंच के लिए भी बनाना है तो पहले उसको मैं सिंपल से दूँगी। उसको चीज़ अप्पे खाने हैं, चीज़ अप्पे ले जाने हैं एक्चुअली, तो वही मैं बना रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा बैटर डाला है और उसमें बीच में चीज़ डाल के अगेन फिर से उसको बैटर डाल के और मैंने 5 मिनट के लिए ढक दिया था। तो बहुत अच्छे से चीज़ अप्पे बन के रेडी हो जाते हैं। मुझे मूंग दाल के अप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे जो सूजी वाले होते हैं ना, उससे ज़्यादा तो मूंग दाल के हैं। तो इस बार ही मैंने ना राइस भी डाला था, तो मैंने मॉर्निंग में ही रख दिया था 1 घंटे करीब, थोड़ा सा गर्म पानी में मैंने भिगो दिया था। तो अच्छे से दाल और चावल फूल गए थे और मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो लंच तो हो गया ऋषि का प्रिपेयर, देन मैंने उसमें अनियन डाल दिया था अपने और हस्बैंड के लिए। और यहाँ पर मैंने ऑयल खोल के रखा हुआ था, 2-3 दिन से ऑयल ऐसे गिर रहा था। तो फाइनली मैंने उसके डिब्बे को साफ ऑफ करके ऑयल भर दिया। और ऋषि बहुत कम ही खाता है तो इसलिए मैंने 4 ही रखे उसके लंच के लिए, उसका लंच प्रिपेयर कर लिया। उसको एक फ्रूट ज़रूर रखती हूँ, जो भी अवेलेबल होता है, फ्रूट है जो भी होता है, मैं बच्चे के अकॉर्डिंग रखती हूँ। वो प्रॉपर सब्ज़ी रोटी नहीं खाता है तो मैं कुछ इस तरीके से रखती हूँ। और ना वो लंच पहले देखता ज़रूर है कि मम्मा ने क्या क्या रखा, मैं भी उसको पहले बता देती हूँ कि बेटू मैंने ये रखा है, आपको फिनिश करना ही करना है। तो कह रहा है मम्मा दिखाओ उसमें चीज़ है कि नहीं है, तो बस वही मैं उसको दिखा रही थी। और यहाँ पे उसका लंच भी प्रिपेयर हो गया था एंड बस उसको भी मैं तैयार कर दूंगी। और हाँ, मैंने ड्रेस बीच में चेंज कर ली थी क्योंकि ना नहाने के बाद मैं गाउन पहन लेती हूँ, उसके बाद मैं जो भी कपड़े पहनती हूँ वो चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे चाय बन गई है एंड ऋषि भी चला गया है, उसको मैंने स्कूल भेज दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ और चाय बन गई, चाय मैंने पी ली और बस नाश्ता लेने बैठी। मुझे आज ना चाय पहले पीने का मन था, वैसे मैं चाय पहले नहीं पीती हूँ, पहले मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ फिर चाय पीती हूँ, लेकिन अभी मन कर गया था पहले चाय पी ली। थोड़ा वेदर भी चेंज हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। तो मेरा भी नाश्ता तैयार हो गया है और वही मैं खा रही हूँ। हस्बैंड की कॉल चल रही थी तो उन्होंने अपनी टेबल पे बैठ के ही ब्रेकफास्ट कर लिया है और मैं यहाँ पे शांति से बैठ के खा रही हूँ। हेलो, तो मैंने सोचा अब आपसे फेस टू फेस बात कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था। यार, इस फ्रॉक का गला थोड़ा सा बड़ा है जो मुझे अनकंफर्टेबल लगता रहता है। तो डिनर हो गया था, सॉरी, ब्रेकफास्ट हो गया था। तो अभी मैं लंच लेके आई हूँ और ये बनाया है मेरी जो पीली वाली दाल होती ना, अरहर की दाल, वो बच गई थी। लेफ्ट ओवर दाल को मैंने अच्छे से ड्राई करके कढ़ाई में और उसको मैंने आटे में लगा लिया था। तो बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं। और ये सब्जी रखी है पनीर की भुजिया, वो है। तो बस यही एक खा रही हूँ, ऐसा मुझे बहुत मन नहीं था, लेकिन हाँ गरम गरम बना रही थी ना तो मन कर गया कि चलो एक खा लेती पराठा। तो बस वही मैं लंच कर रही हूँ और अभी ऋषि आने वाला है 5 मिनट के अंदर, तो मुझे जल्दी जल्दी खाना होगा, फिर उसको लेने जाना है। और यही है। और आज है विकास, तो आज है एकादशी, जिसमें चावल नहीं बनाया जाता ना, इसलिए मैंने पराठे बनाए हैं। और बहुत से लोग आज के दिन तुलसी विवाह करते हैं, तो मैं तो तुलसी विवाह तो नहीं करती, तुलसी विवाह के दिन ही करती हूँ। यार क्या ले लिया आप? हाँ, तो एक्चुअली हस्बैंड चले गए ऋषि को लेने के लिए, बोले मैं नीचे जा ही रहा हूँ तो ले लूँगा उसको। हाँ, तो मैं क्या कहती हूँ, तो यहाँ बहुत से लोग आज के दिन ही तुलसी विवाह कर लेते हैं, तो मेरे यहाँ नहीं होती। मेरे जो गुरु नानक जयंती है ना, जिस दिन तुलसी विवाह होता है, देव दीपावली, उस दिन हम तुलसी विवाह, मतलब मैं उस दिन मनाती हूँ तुलसी विवाह। तो लेकिन हाँ, चौक बनाई जाती है, वो मैं शाम को बनाऊँगी। देव उठनी एकादशी में ना वो भगवान जी के चरण बनाए जाते हैं, उसमें
गन्ना सिंघाड़े सब रखा जाता है, तो मैं गन्ने सिंघाड़े तो नहीं रखती हूँ क्योंकि गन्ना जो होता है शुगर केन वो यहाँ कोई खाने वाला नहीं है। सिंघाड़े भी नहीं, मैं सिंपल चैन बना के रख देती हूँ। दिखाऊंगी अभी मैं कैसे बनाऊंगी शाम को। एंड दैट्स इट, इतना ही है। और दिशु गया था स्पाइडरमैन बन के, आज फैंसी ड्रेस था उसके यहाँ, तो मैंने सुबह जल्दी जल्दी में ना शूट नहीं करी वीडियो। अभी आएगा ना, देखती हूँ उसकी कैसी हालत है, फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। बहुत जल्दी जल्दी उसको मैंने सब, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था कि मैं उसको कुछ बना के भेजूँ। मैंने सोचा यूनिफॉर्म में, मतलब ऑप्शनल था, बट उसका मन कर रहा था तो मैंने सोचा छोड़ो, बच्चे का मन है तो कर देती हूँ, तो कर दिया हूँ। एंड अभी भी थोड़ी बहुत डेकोरेशन बची हुई है। मैंने सोचा था एक दो रील्स वीडियो वगैरह बना लूँगी, बट मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं बनाऊँ। दिन में ना ये उल्टी लाइट आती है, मतलब जिस साइड में बैठी हूँ उधर से आ रही है, अब इधर से मैं बनाऊँगी तो वो लाइट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं है फिलहाल। अब हटाने वाली हूँ इसको, हटा दूँगी। चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, ऋषि से मिलाती हूँ, खा लेती हूँ मैं, है ना। ये मेरा ऋषि आ गया है स्पाइडरमैन बन के। इसको अंदर करो, मास्क दिखा बटू, मास्क लगाओ। तो ये हो गया स्पाइडरमैन। यहाँ पे ना इसके, इसको दिक्कत हो रही थी तो मैंने कट कर दिया था इसको, है ना। सो स्पाइडरमैन क्या डायलॉग बोला है स्कूल में बताइए। From devil. Yes. फिर ऐसे जो बोला था मैंने नहीं किया, क्यों? मैंने किया। अच्छा ठीक है। तो ऋषि के स्कूल आने के बाद मैंने उसको लंच वगैरह कराने के बाद, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चीज़ बॉल जो कि ऋषि के बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि ऋषि को अभी नीचे जाएगा शाम टाइम, और उसके फ्रेंड्स लोगों के लिए भी मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पोटैटो को मैंने पहले ही उबाल के रख लिया था, तो और यहाँ पे मैं ग्रेट कर रही हूँ उसको अच्छे से। यार जो नए वाले आलू हैं ना वो जल्दी से छीलते नहीं हैं, तो उसी तरीके तो मैं जल्दी जल्दी से छीलते रही थी किसी तरह, और गरम गरम तो वो छिल जाते हैं, ऐसे नहीं होता। तो मैंने पोटैटो को ग्रेट कर लिया, उसमें हल्का सा नमक और जो हर्ब्स आती है ना मिक्स वो डाला है, और जीरा धनिया का पाउडर डाला है। बहुत ही सिंपल मसाले रखते हैं क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं इतना सब। मिर्ची तो मैं बिल्कुल नहीं डालती हूँ, और बस यहाँ पर सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और उसके राउंड शेप दे करके मैं अंदर उसमें चीज़ रख दूँगी। तो आप कोई भी चीज़ इसमें लगा सकते हो जो भी अवेलेबल हो आपके पास। और उसके बाद यहाँ पर मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम्स बनाई है, मैं मिक्सी में ही पीस के तुरंत की तुरंत बना लेती हूँ, और बस उसमें लगा करके। और हाँ, इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर भी डाला था। वैसे जो चीज़ बॉल का जो होता है ना वो कॉर्नफ्लोर ऊपर से लगा करके तभी बनता है, लेकिन मैंने आलू में ही पोटैटो में ही जो कॉर्नफ्लोर है ना उसको मिक्स कर दिया था। देन उसके बाद मैंने फटाफट से किचन क्लीन किया, और जितने भी बर्तन थे तो वो मैं क्लीन कर रही हूँ और किचन क्लीन कर रही हूँ। मेरा ये दो तीन बार काम हो जाता है, जैसे जैसे बर्तन निकलते जाते ना मैं सबको वॉश करती जाती हूँ, क्योंकि मुझे किचन में फैला फैला सा नहीं पसंद है। वैसे भी बहुत बड़ा किचन नहीं है, तो इसलिए मैं उसको समेटती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ, ताकि किचन नीट एंड क्लीन लगे और मुझे भी थोड़ी सी ना सेटिस्फेक्शन मिलते कि हाँ चलो काम सारा हो गया है। उसके बाद ये शाम को मैं आ गई हूँ चौक बनाने, तो तुलसी माता के पास मैं चौक बना रही हूँ। ये गेरू से मैं पहले तो उसको बेस मतलब रंग दे रही हूँ, उसके बाद मैं चावल के आटे से चौक बनाऊँगी। तो चावल मैंने पीस के ही रख लिया था पहले, भिगो करके पीस करके, और देन यहाँ पर मैं दरवाजे के सामने भी चौक बना रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही गेरू लगा करके ना, बहुत सुंदर लग रही थी ये वाली चौक। तो यहाँ भी चौक बन गई, और बीच में माता जी के चरण बनाए जाते हैं, लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। और पूरा विवाह मैं पूर्णिमा के दिन ही करूँगी तुलसी जी का, एंड शाम को दिया लगाया घी का तुलसी के पास, और अपने दोनों दरवाज़ों पर भी दिया लगाया, दरवाज़ों पर भी दो दिए लगाए हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ एकादशी का किया है, एंड बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा। एंड यस, आप लोगों ने अगर तुलसी पूजा की है तो आप तुलसी पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।